हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 के सेकंड राउंड तक कितने स्कोर या कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट होने वाली है, क्या क्या बेनिफिट्स है वो सेकंड राउंड के स्टूडेंट्स को होने वाला है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई है उनको क्या बेनिफिट्स होने वाला है यदि उन्होंने अपग्रेड्स किया है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और एक एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि सेकंड राउंड में कट ऑफ किस तरह से निर्धारित की जाएगी, और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया है उनको सेकंड राउंड में क्या वो कॉलेजेस मिल पाएंगी जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करें आपके फर्स्ट राउंड का, तो फर्स्ट राउंड का अभी आपके अपग्रेडेशन का ऑप्शन आ चुका है, ऑफर लेटर भी आ चुके हैं और आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी है जो 7 से 12 के बीच में होगी। ठीक है, वहीं हम बात करें ऑप्शन शूज की, तो वो भी आप 7 से 12 के बीच में तक कर सकते हो। तो आई होप सबसे पहले आप जो है ऑप्शंस जो है चूज कर ले, जिसको फर्स्ट ऑप्शन रखना है उसको फर्स्ट ऑप्शन रख लीजिए, और जिसको अपग्रेड करना है तो वो सेकंड ऑप्शंस रख सकता है, और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में या जिस एम्स में आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर जाके आप करवा सकते हो 7 से 12 के बीच में। अब यहाँ पर हम बात करें जो ये आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ का लिस्ट निकला है, ठीक है, जिसमें आपका कॉलेज अलॉटमेंट दिया गया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि क्या हुआ है, आपके जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उसमें कितना कट ऑफ गया। ठीक है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की हम बात करें तो कितनी रैंक तक जो है या कितनी रैंक तक जो है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई है फॉर जितने भी एम्स की कॉलेज है। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, तो कैटेगरी वाइज यदि हम बात करें तो आपका जनरल कैटेगरी का, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट हुआ, जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट था, जिनके पास OBC का सर्टिफिकेट था उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें आपके जो है PWD कैटेगरी, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ UR कैटेगरी OBC SC एंड ST EWS कैटेगरी की बात करेंगे। UR कैटेगरी बात करें तो 1048 रैंक तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ। OBC की हम बात करें तो 1712 यहाँ पे सीट अलॉट हुआ। SC की बात करें तो 4339 यहाँ पे जो है सीट अलॉटमेंट हुआ। ST की हम बात करें 8221 रैंक तक जो सीट अलॉट हुआ। देखो यहाँ पे EWS को काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि EWS के सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास थे, तो इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई 3441 तक गया। मतलब जिनका रैंक 3441 था उन्होंने यदि चॉइस फिलिंग अच्छे से की होगी तो उनको सीट अलॉटमेंट हो गई। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे सेकंड राउंड में क्या होने वाला है, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था। सेकंड राउंड में एक चीज़ ध्यान में रखी गया, तीन चीज़ जहाँ पे आप देख रहे होगे, एक NRP लिखा हुआ है, एक NP लिखा हुआ है, ठीक है, और एक FCNA लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखोगे आप NR एंड NP लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए कि NR NP का मतलब होता है उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यार मेरा रैंक तो हाई है, मुझे कैसे सीट अलॉटमेंट होगा, क्योंकि अभी तक तो 1000 तक ही जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है जनरल में। OBC की बात करें तो 1700 तक ही सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो मुझे कैसे अलॉट होगा, मेरा 2000-2500 रैंक है, क्या मुझे सीट अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, जिन स्टूडेंट्स के NR NP लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो तीन नंबर पे 4, 5, 7, ठीक है, 9, 10 पूरा लिखा हुआ ना, ये NRP, इसका मतलब है ये स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, और ये सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको कभी मत गिनिएगा कि जो हमारे से ऊपर वाले हैं, ठीक है, जो हमें सीट अलॉटमेंट हुई है, मान लो कि 1000 पे अलॉट हुई है किसी को, तो ऊपर वालों को सबको अलॉट हुई है, जिन जिन ने चॉइस प्रेफरेंस अच्छे की है तो उनको सबको अलॉट हुई है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसका मतलब वो सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। अब आपका कॉम्पिटिशन है नीचे वाले स्टूडेंट्स से। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स अपग्रेड किए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपग्रेड किया है वो सोच रहे होंगे यार मुझे सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भाई तुम लोगों को सोचना ही नहीं है, तुमको 100% सीट मिलेगा। क्योंकि जो आपको इससे ऊपर वाले रैंक वाले हैं उन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप सभी को पता होगा आप भी चॉइस परफेंस चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, ना कुछ एडिट कर पाए, तो कोई भी स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर जिन्होंने अपग्रेड किया केवल उनका सीट जो है एक्सचेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए मुझे एम्स भोपाल मिला है और किसी स्टूडेंट्स को ऋषिकेश मिला है, तो उसको भोपाल चाहिए और मुझे ऋषिकेश चाहिए, तो वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे कट ऑफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो स्टूडेंट्स अपग्रेड किया है तो उनके अपग्रेड करने से कट ऑफ पे सेकंड राउंड के कट ऑफ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली सीट चेंजेस होंगी, बस इतना ही होगा। ठीक है, किसी कॉलेज में सीट खाली होगा, किसी में वो सीट अप हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं मिली है, जैसे कि हम बात करें 1000 से ज़्यादा रैंक वालों को सीट नहीं मिली है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सबके NR NP लिखा होगा,
अब नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे, एक चीज़ और ध्यान में देखना, क्योंकि ये जितने भी सीट अलॉटमेंट हुए क्या सभी जो है सीट अलॉटमेंट करवाने के लिए जाएंगे? नहीं, इसमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी अनदर कोर्स में एडमिशन ले चुके होंगे या स्टेट नर्सिंग में एडमिशन ले चुके होंगे, ठीक है, तो वो काउंसलिंग वो जो है कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर नहीं करवाने जाएंगे, तो वो भी सीट खाली हो जाएगी सेकंड राउंड में। हालांकि सेकंड राउंड जो है रिजल्ट आने से पहले अपना सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा, तो उसमें भी आप एक बार देख सकते हो। देखो यहाँ पे 2300-2400 पे देखो तो काफ़ी स्टूडेंट्स के FSCA ने लिखा हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट्स के NNRP लिखा हुआ है, तो इसका मतलब NR NNP का मतलब हो गया उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस सारे सीट वगैरह जो आपसे काफ़ी रैंक ऊपर भी होगा तो उनको सीट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, कट ऑफ इस बार फर्स्ट राउंड का जिस तरह से हाई गया था उस तरह से सेकंड राउंड का भी कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो आप निश्चित रहिए। बस 18 तारीख तक आपको वेट करना है, 18 तारीख तक आपका जो है BSc नर्सिंग का सेकेंड राउंड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखो यहाँ पे देखो 2000 हो गया, 2200 यहाँ पे NRP NP लिखा हुआ, देखो काफ़ी स्टूडेंट्स के NR NP लिखा हुआ ना, तो ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जितना भी सीट वैकेंट रहेगा वो तुम लोगों को जो है स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो 2000-2500 तक मान के चलिए OBC में सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस है, वही 1500-1600 तक मान के चलो कि आपके जनरल में, और SC ST के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जितनी भी रैंक है वो आप जो है बस सिर्फ काउंसलिंग का रिजल्ट का वेट करिए, जहाँ तक कट ऑफ जा सकता है वहाँ तक आपको सीट अलॉटमेंट होगी, ठीक है। तो आप निराश मत होइए कि मुझे सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या और भी लो जाएगा, सेकंड राउंड में और भी कट ऑफ है वो लो जाएगा, उसका आपको वेट करना है और 18 तारीख तक आपको वेट करना है। 18 तारीख तक आपको रिजल्ट है वो आपकी ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया जाएगा, जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग वीडियो बना देंगे, आपको अपडेट्स कर देंगे और सारी अपडेट्स आपको आगे की एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर यदि आप नए हो तो DH चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज़।